एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बिजनौर के ब्लॉक अलहपुर में स्थित बेरखेड़ा टांडा गांव पड़ा, जहां पर ग्रामीणों ने यशवंत सिंह को ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए जा रहे हैं। लगभग 3000 की आबादी व 2345 वोटर वाले इस गाँव के ब्लॉक से दूरी 21 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 66 किलोमीटर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गाँव के प्राइमरी विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 226 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की करें तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 34 हैंडपंप लगे हुए हैं तथा 17 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ गाँव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्कूल में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाली व प्याऊ का भी निर्माण कराया गया है। वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 595 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज के माध्यम से गांव में सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 45 आवासों तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। टांडा बेरखड़ा से यशवंत सिंह, ग्राम प्रधान और ब्लॉक जिला बिजनौर से। बात यह है कि जितने भी योजनाएं आई हमारे यहाँ, जैसे कि मकान, प्रधानमंत्री आवास के हमने 3 मकान बनवाए और स्कूल कराया, पंचायत घर कराया और मेरी योजना में 55 शौचालय आए, वो भी मैंने कंप्लीट करा था। कुल मिला के कम से कम 45 मकानों की बहुत ही आवश्यकता है हमारे यहाँ, जो गरीब आदमी हैं और बाढ़ पीड़ित में गांव है हमारा टांडा बेरखेड़ा, यहाँ पे बाढ़ भी आती है और शौचालय भी लगभग कई शौचालय तो हर वर्ष खराब हो जाते हैं पानी से, पानी जब आता है तो बैठ जाते हैं। तो मजबूरी है कि शौचालय मिल नहीं पा रहे, कई बार मतलब सीडीओ साहब से भी और से भी कहा, ब्लॉक में भी अपनी बात रखी मगर नहीं मिल पाए, मैं क्या चलो कोई बात नहीं। और जो भी धन मिला उससे सीसी बनवाई और खड़ंजे बनवाए, नरेगा काम कर रहे, मतलब कोई भी जो धन आता उसी के अनुसार उतना ही हम काम कराते हैं।